मानसून से पहले उजागर हुआ महानगर पालिका का भ्रष्टाचार। 70 बिल्डिंग में नहीं है ड्रेनेज की लाइन, भरता है बारिश का पानी। गगनचुंबी इमारतों में नहीं है गटर की मुख्य लाइन। विधायक ने किया महानगर पालिका के भ्रष्टाचार का खुलासा। मुंबई में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका की तैयारियां बिल्कुल नदारद है। कांदीवाली के पॉश इलाकों में 90 फीट रोड स्थित करीब 70 बिल्डिंग ऐसी है जिनको अब तक ड्रेनेज लाइन से जोड़ा नहीं गया है, जिसके चलते हर वर्ष यहां बारिश का पानी भरता है। इन 70 बिल्डिंग में करीब 40,000 लोग रहते हैं, जो पिछले 10 सालों से बारिश के पानी के चलते प्रभावित होते हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद स्थानीय भाजपा नेता अशोक सिन्हा ने विधायक सुनील राणे से विषय पर चर्चा कर इलाके का दौरा किया और बारिश के खत्म होते ही सभी बिल्डिंग के ड्रेनेज लाइन को मुख्य लाइन से जोड़ने का काम किया जाएगा। सोसाइटी के मेंबरों को 2 दिन पहले बुला करके मीटिंग रखा गया था और उन लोगों की जो भी समस्या थी उसे इस एरिया के नगर सेवक आशावरी पाटिल और विधायक सुनील राणे जी ने सुना। सुनने के बाद ये फैसला हुआ कि मंगलवार को सुबह 7 बजे सब लोग आ जाए, हर जगह का विजिट किया जाएगा और उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है सीवरेज लाइन की। यहाँ के बहुत से बिल्डिंग ऐसे हैं जिनमें आज तक सीवरेज लाइन से नहीं जोड़ा गया है, लेकिन BMC जो हम लोग को बिल भेजती है प्रॉपर्टी टैक्स का, सोसाइटी को भेजे या इंडिविजुअल करके भेजे, हर एक में प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ सीवरेज का चार्ज भी रहता है और भी 50 तरह का चार्ज होता है, लेकिन कभी भी हमें उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। और ख़ास करके सीवरेज के बारे में नहीं होने से हर सोसाइटी को बहुत दिक्कत होती है। बारिश में पानी भर जाता है तो सीवरेज का पानी भी बाहर बहने लगता है, जिससे बच्चों को, महिलाओं, बड़े बुजुर्गों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। तो सुनील राणे जी ने सारी समस्या सुनने के बाद ये फैसला किया कि बहुत जल्द से जल्द इस चीज़ का समाधान किया जाएगा। विधायक राणे ने महानगर पालिका अधिकारियों पर आरोप लगाया कि महानगर पालिका का बगल में बिल्डिंग विभाग का दफ्तर है, लेकिन इनकी लापरवाही के चलते यहाँ बड़ी संख्या में लोग बारिश के पानी में डूबते हैं। जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब महानगर पालिका के बिल्डिंग विभाग ने इनको NOC और परमिशन कैसे दिया, इसकी जांच होना चाहिए। इसमें महानगर पालिका का बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। देखो, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, आज भी सुबह बारिश हुई है। मैं बोरिवली पूर्व के 90 फीट रोड पे खड़ा हूँ। एक साइड से सभी इमारतें बड़ी बड़ी दिख रही है। सबसे अच्छा इलाका बोरिवली पूर्व का ये माना जाता है, जिसको ठाकुर कॉम्प्लेक्स से लेके संस्कृति तक 90 फीट का रोड माना जाता है। लेकिन महानगर पालिका और MMRDA ने क्या परिस्थितियां लाके कर दी है ये आपको दिखाता हूँ। और इसमें आप देखो तो नीचे अगर ये ड्रेन वाटर है, इसमें कोई गिर गया सुबह चलने वाला, कोई बुजुर्ग, कोई ज्येष्ठ नागरिक, तो वो जाके सीधा वर्ली के गटर में मिलेगा। ये स्थितियाँ महानगर पालिका जो कहती है कि बारिश के पहले की स्थिति हम सुधारने के लिए प्रयास करते हैं, तो ये जो स्थितियाँ रोड की बनी है, ये स्थितियाँ गटर की बनी है, इसके ऊपर महानगर पालिका और MMRDA ने आने वाले 8 दिनों में ये स्थिति सुधार करके नागरिकों को सुविधा देने की आवश्यकता है। सर, 2 साल पहले से गोरेगांव में हादसा हुआ था, 7 साल का बच्चा मर गया था, उसकी बॉडी अभी तक नहीं। वैसे ही आप सोचो ना, ये इतना बड़ा ड्रेन खुल गया है, ये पिछले 6-7 दिनों से ऐसा ही पड़ा है। और महानगर पालिका और MMRDA लगातार ये कहती है कि हम पूरे मुंबई में अच्छी सुविधा देंगे। ये जो काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर है, इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। और महानगर पालिका और MMRDA ने तुरंत इसको ठीक ठाक करते हुए यहाँ के लोगों को, बुजुर्ग नागरिकों को और हमारे छोटे छोटे बच्चों को राहत देने का काम करना चाहिए। ये बोरिवली और कांदिवली का ये मध्य है, यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में सभी उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। ऐसे इलाके को ये माना जाता है कि बहुत पॉश इलाका है, लेकिन ये स्थितियाँ जो महानगर पालिका ने यहाँ पर पैदा की है, यहाँ से लेके रॉयल समर्पण तक और रॉयल समर्पण से लेके रिवाली तक, यहाँ पर ड्रेनेज की भी सुविधा नहीं है। विचार करो, इतनी ऊँची इमारतियों के लिए परवानगी देना और उसके पश्चात उनकी ड्रेनेज की सुविधा और लोगों को चलने को नहीं है, ऐसे स्थिति में महानगर पालिका क्या मुंबई का सुधार करेगी, ये मेरा प्रश्न है। इसके जिम्मेदार कौन है? महानगर पालिका और MMRDA, अगर ये समय पे महानगर पालिका ये बारिश के पहले अगर इसको ठीक ठाक नहीं करती है, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ इसमें छोटे बच्चे या फिर बुजुर्गों का कुछ भी हादसा होने में देर नहीं लग सकती।